रोलेक्स रिंग्स। इस आईपीओ की जब रिसर्च की तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमें समझ में आई और हमने बहुत डिटेल में जाकर इसको पढ़ने की कोशिश की। पहली चीज तो ये बता दूं कि इस आईपीओ में करना क्या है आपको, पहले आपको ओपिनियन दे दूं। नहीं, पहले ओपिनियन नहीं दूंगा, ओपिनियन दे दूंगा तो इसका मजा खत्म हो जाएगा, ओपिनियन मैं बाद में दूंगा। आप एक काम करिए, पहले मैं इसके पॉजिटिव बताता हूं। पहला पॉजिटिव है इसका, पॉजिटिव पे आ जाइए। पहला पॉजिटिव है प्रमोटर्स का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, पुरानी कंपनी 50-60 साल पुरानी कंपनी है, लंबा एक्सपीरियंस है, प्रमोटर्स ने इस फील्ड में काफी काम किया है। देश की वो बेयरिंग से रिलेटेड जो काम करती है, ऑटो इंडस्ट्री टाइप के कारोबार है जिसमें ऑटो कंपोनेंट के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए बेयरिंग का वो क्या कहना चाहिए, रिंग बनाने का काम करती है, और उसमें ये टॉप 4 कंपनियों में लीडिंग कंपनी है हिंदुस्तान में, तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, अगर आप दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में देखेंगे जो लिस्टेड पीयर्स है उसके मुकाबले में प्राइस मल्टीपल पर देख लें, ठीक है, उसके मुकाबले में आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें, उसके मुकाबले में प्रॉफिट मार्जिन्स देख लें, अमेजिंग है, बहुत ही जबरदस्त है, मतलब बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया है, ठीक है। पिछले 3 सालों में कंपनी ने कर्ज कम किया है, लगातार डेट रिडक्शन हो रहा है, वो भी अच्छा है, डेट इक्विटी रेशियो बहुत कंफर्टेबल है कंपनी का, एकदम 0.7 के आसपास, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, और ये भी कम हो जाएगा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव चीज है, कल एंकर बुक देखी है मैंने, कौन सा ऐसा लोकल फंड है जिसने पैसा ना लगाया हो, एंकर बुक बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है, HDFC, ICICI प्रू, एक्सिस, आदित्य बिरला, SBI, कोटक, सारे बड़े म्यूचुअल फंड जितने हैं सबने इसमें पैसा लगाया, 219 करोड़ की एंकर बुक बनी, तो ये अच्छा। और एक और पॉजिटिव मैं ये कह सकता हूँ कि 2500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी, छोटे मार्केट कैप की कंपनी आजकल कम आती है, मैं 2500 करोड़ को इसलिए छोटा कह रहा हूँ, आजकल बड़े मार्केट कैप की ज्यादा आने लगी, वैसे अपने आप में 2500 करोड़ की कंपनी छोटी नहीं होती, तो ये इस तरह की कंपनियों में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो ये सारे पॉजिटिव्स हैं। अब नेगेटिव्स में आइए, नेगेटिव्स भी जितने इंटरेस्टिंग पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव भी इंटरेस्टिंग है। कैसे, आप इसके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को देखें, टॉप से लेकर सारे की मैनेजरियल पोजीशन है, जितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं उन सारी पोजीशन पे एक ही फैमिली के लोग हैं, जो प्रमोटर फैमिली के, मड़ेगा फैमिली, हो सकता है HUFO और सारी फैमिली मेंबर्स मिलके ये बिजनेस चला रहे हैं, उसमें गलत भी नहीं है, लेकिन वो एक नेगेटिव हम इसलिए मानते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट या बाहर का मैनेजमेंट नहीं है, पूरा फैमिली रन बिजनेस की तरह आपको नजर आएगा। खाली एक जो कल CFO साहब थे, दोषी साहब, जिनका हमने इंटरव्यू किया, वो भी अभी 2-4 महीने पहले ही CFO बने हैं, कंपनी में काफी समय से, लेकिन अभी अभी उन्हें CFO बनाया, तो बाहर का प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं है, ये भी प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन है सारे के सारे मड़ेगा फैमिली के मेंबर्स, वो एक नेगेटिव होता है। दूसरा, अब इसके प्रॉफिट के नंबर्स जो मैं देख रहा हूं, नंबर्स बहुत ही शानदार है, कभी कभी क्या होता है बहुत अच्छे नंबर्स भी विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मसलन मैं बताऊं आपको, देखिए हुआ क्या है, पिछले 2-3 साल की आप परफॉर्मेंस देखे ना, मार्च 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू किया 900 करोड़ का और मार्च 2021 में किया 600 करोड़ का, यानी 900 करोड़ से रेवेन्यू घटकर 600 करोड़ आ गया, लेकिन मुनाफा 60 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़, रेवेन्यू घट रहा है मुनाफा बढ़ रहा है, लिटिल टू डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, वो टैक्स एडवांटेज की वजह से, और उस वजह से प्रॉफिट मार्जिन, अब प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के 15-16% है, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 15-16% है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत फोर्ज, RK फोर्जिंग, MM फोर्जिंग, पुरानी लिस्टेड एस्टेब्लिश कंपनियां उनके भी नहीं है, तो ऐसी ये कंपनी क्या खास कर रही है कि इसके मार्जिन इतने बढ़िया है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो नंबर्स हैं बहुत अच्छे, लेकिन इतने अच्छे नंबर्स पे भी इमीडिएटली भरोसा नहीं होता, वो एक चीज है। अब आइए, जो कुछ भी प्रॉफिट बढ़ा है पिछले साल वित्त वर्ष 2021 में, उसमें ज्यादा योगदान टैक्स एडवांटेज का है, तो अगर ये टैक्स एडवांटेज नहीं रहा तो क्या ऐसे ही नंबर्स आगे मेंटेन हो पाएंगे, इसका जवाब मैनेजमेंट से लेना होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखे इसको प्रोस्पेक्टस को पढ़ते पढ़ते, वो ये 2017 से 2019, जुलाई 2017 से जून 2019 में केयर रेटिंग्स ने इस कंपनी की रेटिंग रखी थी केयर डी रेटिंग, का मतलब यह कि या तो कंपनी डिफॉल्ट कर चुकी है या डिफॉल्ट करने के करीब है, और 2013 में भी एक बार कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, तो अगर 2 साल पहले ही अभी अगर डी रेटिंग थी, अभी आज की तारीख में केयर की रेटिंग डबल बी है, डबल बी रेटिंग ठीक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, डिफॉल्ट वाली मामला तो नहीं है, लेकिन 2 साल पहले डी रेटिंग और वो 2 साल तक रही है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है कि फिर क्या कंपनी के पुराने फाइनेंशियल्स भी देखने चाहिए, क्या वाकई में ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा डाइसी रहा है, पता नहीं, तो ये सारी चीजें हैं।
जो आपको थोड़ा सा डिसकंफर्ट देती है। तो जितना मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूं, कुछ चीजें बहुत अच्छी लग रही है, एक्सट्रीम अच्छी लग रही है कि क्या वैल्यूएशंस है, कितने बढ़िया फंड्स पैसा लगा रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी लग रही है कि नहीं नहीं कंफर्ट नहीं आ रहा। तो अपने क्या करना है, सिंपल जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, जो वैल्यूएशंस पे आ रहा है उसको देख के ये तो नहीं लगता कि आईपीओ नीचे लिस्ट होगा, करेक्ट, वो तो कोई चांस नहीं है। तो आप एक बार लिस्टिंग पर पैसा लगाने के लिहाज से अप्लाई कर दीजिए। लिस्टिंग कहां होती है, कैसे होती है, वहां पर फिर हम लिस्टिंग पर व्यू लेंगे कि क्या करना चाहिए। तो प्योरली अभी रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग पर पैसा लगाने के लिहाज से इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, ये ओपिनियन आपकी आ जाएगी। अभी रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेंस, रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स अप्लाई करें लिस्टिंग गेंस के लिए, ज्यादा हटा दें, खाली जोखिम ही रहने, जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगा सकते हैं, ये मेरी राय। डीप क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है, और देखेंगे किस तरह का रिस्पांस बाजार देता है इस आईपीओ को। पर जैसा अनिल जी कह रहे हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स, जोखिम लेने वाले इन्वेस्टर्स लिस्टिंग गेन्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए फिर, एक नई आईपीओ खुल रही है उस पर नजर रहेगी। एक चीज और भी कहना चाहता हूं, दीप 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 एक चीज और कहना चाहता हूं, खबरें जी सर, दीप एक चीज और कहना चाहता हूं, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, और वो ये है कि जब दोनों तरह की चीजों में मैं उसके बावजूद पैसा लगाने की राय दे रहा हूं, तो उसका एक रीजन भी है। मैं इस मामले में काफी हद तक उन तमाम फंड मैनेजर्स पे भरोसा कर रहा हूं जिन्होंने एंकर बुक में पैसा लगाया। क्योंकि क्या क्या होता है, कई बार आईपीओ के वक्त जब आप किसी कंपनी का इंटरव्यू करते हैं या जो प्रोस्पेक्टस देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें वो नहीं होती जो कंपनी आगे करने वाली होती है, करेक्ट, आगे फ्यूचर्स के एक्सपेंशन प्लान्स, आगे की ग्रोथ, आगे की प्रॉफिटेबिलिटी, वो जनरली फंड मैनेजर से जब वन ऑन वन वो रोड शोज करते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें बताते हैं, लेकिन पब्लिकली चूंकि अलाउ नहीं है तो वो पता नहीं चलता। तो मैं ये भरोसा कर रहा हूं कि इन सारे फंड मैनेजर्स ने कुछ न कुछ अपनी मेहनत की होगी, अपना दिमाग लगाया होगा, है ना, और पूरा सोच समझ कर उन्होंने एंकर बुक में पैसा डाला है। तो मैं काफी हद तक अपने जजमेंट में एक एजम्पशन लेकर चल रहा हूं कि इन्होंने अपनी मेहनत की होगी, और जब इतने बढ़िया फंड्स एंकर बुक में डाल रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि एक चांस लेने में हर्ज नहीं है। तो इन सबको देखते हुए मेरी राय है कि आप लिस्टिंग गेन के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। जी,